स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने पढ़ लिया था कि किसी भी चालक की सतह पर जो बल और दाब लगता है उसका मान हमने कैलकुलेट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व। ध्यान से समझेंगे कि ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व, वैसे जनरली देखा जाए तो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला है, ऊर्जा घनत्व जो है उसको हम दर्शाते हैं ऊर्जा घनत्व को जैसे ईडी से, डी फॉर होगा डेंसिटी, ई फॉर एनर्जी। ऊर्जा घनत्व का सूत्र बनेगा ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा क्या है बेटा, ऊर्जा ही कार्य है, तो इसको डीडब्ल्यू लिख सकते हैं और आयतन को डीवी। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ये देखिए कि आर त्रिज्या का कोई आवेशित हमारे पास चालक है, स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या का एक चालक है। उस चालक को जैसे ही हम आवेश देने से उस पर विद्युत बल लगता है, और विद्युत बल की वजह से उसमें ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और वो जो आवेशित गोला है वो प्रसारित हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है, कितना फैला, ये इतना फैल गया मान लीजिए। आवेश देने से ये गोला जो है ऊर्जा पाकर या ऊर्जा संग्रहित करके इतना फैल गया। कितना फैल गया, ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की, ये मान लेते हम डी आर है कि ये आवेशित गोला आवेश देने से विद्युत बल लगा, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिससे ये जो चालक है इसके आकार में विस्तार हो गया। कितना विस्तार हुआ, डीआर। ठीक है, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं ऊर्जा घनत्व की। तो हम सबसे पहले इस जो आपका चालक है आवेशी चालक, इस पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं बल, और बल हमने कल पढ़ लिया है। आवेशी चालक पर बल कितना लगता है, आवेशित चालक पर बल या आवेशित चालक की सतह पर बल कितना बल आया था बेटा, एफ इक्वल टू आपके पास आया था सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ए। ध्यान है क्या, कल हमने कैलकुलेट किया था बल का मान, और ए को इधर लेके आते हैं तो दाब बन गया था। ठीक है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर एक। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो बल आया है ये आवेश देने की वजह से प्रतिकर्षण बल, आपस में आवेश दिया तो आवेश होकर मतलब प्रतिकर्षण लगा, जिससे हमने आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, जिससे इसके आयतन में विस्तार हो गया। अब क्या हुआ होगा यहाँ पे, वो समझने की बात है। हमें निकालना ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा का सूत्र होता है ऊर्जा घनत्व का ऊर्जा बटे आयतन। इसका मतलब हमें कार्य ज्ञात करना है, कार्य ही तो ऊर्जा है। तो कार्य का सूत्र तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर, यानी कि dW बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है ये तो हमने आवेशित चालक की सतह पे ज्ञात कर लिया, विस्थापन कितना प्रसार हुआ, कितना आयतन फैल गया, कितना तो वो dr फैल गया। तो कार्य आ गया dW बराबर F इंटू dr। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। समीकरण एक से मान दो में रखते हैं, तो समीकरण एक से मान रखेंगे तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा। तो रब करेंगे इसको, मान लिया कि आपने कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं ऑनलाइन वालों को डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मान रखेंगे किसकी जगह, मान रखेंगे एफ की जगह, ये मान ऐसे जैसे यहां रखेंगे तो dW आपके पास आ जाता है। dW इज इक्वल टू मान रखो, एफ का मान रखेंगे तो आपके पास आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट और इनटू ए इनटू डीआर, डीआर इसका समीकरण क्या है, ये डीआर। हम ध्यान से समझेंगे कि आयतन जो है, आयतन में क्या क्या होता है, आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणा दूरी। अरे बोलो नहीं क्या। तो आयतन मतलब डीवी बराबर क्षेत्रफल ए हो और दूरी डीआर हो, तो ए इंटू डीआर को क्या हम डीवी लिख सकते हैं? यस, हम ए इंटू डीआर को डीवी लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल को किसी भी दूरी से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, आयतन। ध्यान रखना, तो आयतन बन जाएगा, तो इस ए इंटू डीआर की जगह यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डीवी। तो देखो मान रख देते हैं, इसको रब कर दो, क्या उतार लिया होगा, कोई डाउट हो तो पूछना। इसको रब कर देते हैं यहां से। तो देखिए बच्चों, डी डब्ल्यू का मान हम ज्ञात करेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे कैसे ए इंटू डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी। क्लियर है? अब हमें कहां पहुंचना है, हमारा टॉपिक है ऊर्जा घनत्व। हमारा टॉपिक क्या है, ऊर्जा घनत्व। तो हमें ऊर्जा घनत्व तक पहुंचना है, तो ऊर्जा घनत्व के लिए क्या करें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इस डीवी को इधर ले आएंगे, अपॉन डीवी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कार्य बटे आयतन, या कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा बटे आयतन ऊर्जा घनत्व, जिसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी डब्ल्यू अपॉन डीवी को हम लिख सकते हैं ई डी। ई यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखना, ऊर्जा को ई से लिखा है, ठीक है। तो ई डी लिखेंगे तो क्या जाएगा, यहां पे ई डी इज इक्वल टू ऊर्जा घनत्व बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास ऊर्जा घनत्व, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं, वो है सिग्मा स्क्वायर का मान कैलकुलेट करके। तो सिग्मा स्क्वायर का मान क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ऊर्जा घनत्व में आपको दिक्कत आ रही है इसको ED से लिखने में, तो आप यहां पे ऊर्जा घनत्व को हम कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है। ऊर्जा घनत्व को, क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाया है, तो ऊर्जा घनत्व को हम नया नाम दे देते हैं, ऊर्जा घनत्व को नाम दे देते हैं डायरेक्ट ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही ये मान यहां रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई डी, यानी ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, और सिग्मा का मान यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू एप्सिलॉन, ये मान यहां पर रख देंगे E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या है, टू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहां से, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं यहां से, देखिए तो ईडी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व आपके पास आ जाएगा ईडी इज इक्वल टू यहां से 1/2 और क्या आया, एक एप्सिलॉन और ई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ऊर्जा घनत्व। किसका ऊर्जा घनत्व आया है, ये जब किसी आवेशित चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश के कारण जो उस आवेशित चालक के आयतन में विस्तार हुआ था, यानी कि बल के विरुद्ध जो कार्य किया था जिससे ऊर्जा संचित हो गई थी, उस ऊर्जा संचित होने में जो ऊर्जा घनत्व निकल के आया वो ये है। न्यूमेरिकल में ई जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इसका मान आपको देगा, उसका मान रखकर एप्सिलॉन का मान आपको पता है, उससे ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। एक और ऊर्जा घनत्व का सूत्र हमारे पास क्या आया है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हमें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसके एकांक आयतन में ऊर्जा
या फिर ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके पास एकांक आयतन में ऊर्जा का मान आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।